हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका एनडीए पार्ट के बुक से लिया हूँ। तो देखो, ये अपना 14 क्वेश्चन है कॉनिक सेक्शन का। टू स्ट्रेट लाइंस ओ ए एंड ओ बी मेक्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री बिटवीन दैम। पी इज अ पॉइंट 40 mm फ्रॉम ओ ए एंड 50 mm फ्रॉम ओ बी। ड्रॉ ए हाइपरबोला थ्रू पी विथ ओ ए एंड ओ बी एज एजम टोर्ड्स मेकिंग एटलीस्ट 10 points। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये एग्जैक्टली उस टाइप पे रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज आएगा। जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया था ना, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में एग्जैक्टली उस टाइप का बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा आपको बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे पहले आप क्या करना है, पहले आपको जो दिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज है ना, उसको पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अपना ये मान लो ओ है, ये अपना क्या है ए है। ठीक है, अब देखो पिछले वाले वीडियो में क्या था, ओ ए और ओ बी जो था अपना उसमें आपस में 90 डिग्री बना रहा था, लेकिन यहाँ पे तो क्या है 75 डिग्री दिया हुआ है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर 75 डिग्री का आर्क लेकर के यहाँ पे उसका साफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, प्रोटेक्टर से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे रख के 75 mm पे एक पॉइंट मतलब मार्क कर लेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे तो अपने क्या मिलेगा, आप ओ बी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको जो पॉइंट पी है दैट इज है ना, दैट इज 40 mm फ्रॉम ओ ए एंड 50 mm फ्रॉम ओ बी। तो ओ बी से मान लो कितना 50 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 50 mm का दूरी, तो 50 mm कहाँ से आएगा बताओ, तो 50 mm यहाँ बन जाएगा और 40 mm अपना यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 mm का पॉइंट ले लो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ मान लो 50 mm बन गया है और 40 mm मान लो कहाँ पे बना आपका, यहाँ पे कहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रख के ओ ए के पैरेलल अपन इसको ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इट शुड नॉट बी वर्टिकल एक्चुअली, इट शुड बी पैरेलल टू ओ बी लाइन। ठीक है, तो ओ बी लाइन के पैरेलल अपन यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये अपना क्या होगा, पी हो जाएगा। ठीक है, ये अपना गैप कितने का है, 50 mm का है। ठीक है, ये अपना गैप कितने का रहेगा, ये अपना रहेगा 50 mm का रहेगा, और ये कितने का होता है, 40 mm का है। इसको आप अलग से मार्क कर देना। अब देखो हमको करना है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट करना, कुछ पॉइंट्स को अपने यहाँ लोकेट करना। तो लेट सपोज यहाँ पे अपना 10 mm का पॉइंट यहाँ पे पहला है, फिर यहाँ से अपन 8 mm के आर्क को लेंगे, फिर यहाँ से अपन 6 mm का आर्क को लेंगे, फिर अपन यहाँ पे 4 mm का एक आर्क लेंगे। तो लेट सपोज दिस इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज 4। वैसे अपन यहाँ भी लेंगे, तो ये अपना हो गया पहला, ये अपना हो गया दूसरा, और ये अपना हो गया तीसरा। ठीक है, 10 mm, फिर 8 mm, फिर 6 mm। तो लेट्स सपोज दिस इज 0.5, दिस पॉइंट इज 6 एंड दिस पॉइंट इज 7। ओके, ठीक है, अपन यहाँ पे अपने हिसाब से पॉइंट को ले सकते हैं, आप चाहो तो अधिक पॉइंट भी ले सकते हो। ठीक है, अब क्या करना, देखो यहाँ पे 0 से 1 को मिलाते हुए अपन यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो अपने क्या मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर यहाँ पे 2 से मिलाते हुए अगर एक्सटेंड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे रख के 3 से पास कर दिस इज 3 और फिर यहाँ पे 4 से पास करवाना, यू विल गेट 4। ठीक है, बहुत आगे में आपको क्या मिलेगा, आप 4 मिलेगा। इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। ओके, तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट इज 4। वैसे देखो मुझे करना है क्या, यहाँ पे रख के 5 से मिलाते हैं अपन, यहाँ पे आगे बढ़ाओ, दिस पॉइंट इज 5। इसको 6 से मिलाते हैं, इसको आगे बढ़ाओ, दिस इज 6। इसको 7 से मिलाते हुए, इसको आगे बढ़ाओ, दिस इज 7। इसको थोड़ा सा और ऊपर खींच लो। ठीक है, अपना हो गया। अब देखो मुझे करना क्या, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 से अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वैसे 5 और 6 से अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये अपना ड्रॉ हो गया। अगेन 3 से भी अपन हॉरिजॉन्टल मार्क कर लेंगे, अगेन आप 4 से भी अपन लाइन को अपन यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये देखो अपना सब मार्क हो गया, 5 से भी मार्क कर लो, 6 से भी मार्क कर लेते हैं। ओके, 7 से भी अपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, मार्क कर ली। अब देखो करना क्या, अपने को 1, 2, 3, 4 अपन वर्टिकल ड्रॉ नहीं करेंगे, रादर अपन ओ बी के पैरेलल अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लो आपका ये इंक्लाइंड हो गया है, ये इस टाइप से आएगा, तो यहाँ पे ये इस टाइप से नीचे आएगा, इंक्लाइंड लाइन अपने यहाँ पे ड्रॉ करना है पैरेलल टू ओ बी। ठीक है, ऐसा हो गया, और लास्ट में अपना कैसे रहेगा, ये इस टाइप से रहेगा। तो दिस पॉइंट इज P1, दिस पॉइंट इज P2, दिस पॉइंट इज P3 एंड दिस पॉइंट इज P4। वैसे हम क्या करेंगे, ओ बी के पैरेलल अपन यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे, P5, यहाँ पे अगेन P6, और यहाँ पे अपना क्या रहेगा, ये P7 रहेगा। तो ये अपना हो गया P5,
ये अपना हो गया P6 और ये अपना पॉइंट हो गया P7। अब बस इसको आपस में आप इसको जोड़ लो, ठीक है। आपका जो कर्व बनेगा दैट इज हाइपरबोला, ठीक है, ये आपका रहेगा HB पेंसिल से, और बाकी जो भी हम लोग यहाँ पे बनाए हैं ना वो सब आपका रहेगा 2H पेंसिल से, ठीक है। इसको ऐसा डार्क करते हुए, इसको ऐसा बढ़िया से घुमाते हुए, ठीक है, इसको ऐसा आप एक हाइपरबोला को ड्रॉ कर लो और ये अपना फाइनली कंप्लीट, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते वक्त ये अपना OE के पैरेलल होगा, जब इंक्लाइन जब हम लोग वर्टिकल ड्रॉ करेंगे इट शुड बी पैरेलल टू दिस इंक्लाइन लाइन OB। बस इतना को ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन जो है डन है। तो वीडियो अगर समझ में आए तो अच्छे से प्लीज़ उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।